19 क्रोध मूर्ख को आता है, क्रोध मूर्ख को आता है, पेज नंबर 44 आप लोग को टेस्ट बुक निकाल कर देंगे, क्रोध मूर्ख को आता है। ये लिखने वाले देखिए डॉक्टर राम सिंह यादव, ये लिखने वाले कौन है? डॉक्टर राम सिंह यादव, आप लोग भी याद रखना चाहिए। कौन लिखने वाले का कौन नाम है? डॉक्टर राम सिंह यादव। देखिए, एक बार एक प्रतिभावान बालक एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा। देखिए, एक बार एक प्रतिभावान यानी इंटेलिजेंट बॉय कहाँ पहुंचा? एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ। मैं मूर्ख, मूर्ख यानी फूल, और अज्ञानी यानी अनएजुकेटेड, अज्ञानी यानी अनएजुकेटेड। मैं बहुत पढ़ता हूँ, फिर न जाने क्यों सदैव मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी मूर्ख या अज्ञानी हूँ। मैं कितना भी याद रखता हूँ लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ मुझे आता नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है और मैं मूर्ख यानी फूल ही समझ में आता हूँ। महात्मा ने कहा, बेटा तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। क्या कह रहा है वो महात्मा यानी संत? क्या कह रहा है? मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसका आंसर देना चाहिए। बालक ने कहा, जी हाँ प्रयत्न करता हूँ। बालक ने क्या कहा? जी हाँ प्रयत्न यानी मैं प्रयत्न करता हूँ यानी मैं कोशिश करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलने को मुझे देखना हूँ। बालक ने कहा, जी हाँ प्रयत्न करता हूँ। क्या तुम्हें क्रोध आता है? क्या तुम्हें क्रोध यानी गुस्सा आता है? महात्मा ने कहा, बालक ने उत्तर दिया, नहीं मुझे क्रोध नहीं आता यानी गुस्सा, एंग्री, गुस्सा यानी क्रोध यानी एंग्री। बालक ने उत्तर दिया, नहीं मुझे क्रोध नहीं आता है, कभी थोड़ा यानी थोड़ा कभी कभी आता है। बहुत क्रोध तो जरूर आता होगा, बहुत गुस्सा तो बहुत आता होगा यानी महात्मा ने किसे कह रहा है? बालक से कह रहा है। महात्मा ने पूछा, बालक ने कहा, आता है, क्या कह रहा है? थोड़ा गुस्सा आता है यानी क्रोध आता है, परंतु मैं उसे निश्चित रूप में बचा जाता हूँ। बहुत थोड़ा क्रोध आता है लेकिन मैं उसे अपने वश में ले लेता हूँ, मैं उसे अपने क्या करता हूँ, निश्चित रूप से उसे बचा लेता हूँ, उसे संभाल लेता हूँ, क्रोध को पी जाता हूँ, क्या करता है, गुस्से को मैं पी जाता हूँ। ज्ञानी महात्मा ने पूछा, क्या तुम दूसरों के दोष को बुराई देखते हो? क्या कह रहा है महात्मा? दूसरों के दोष को तुम बुराई कहते हो? दूसरों के दोष यानी दूसरे कोई दोष दे रहे तो उसे बुराई कहते हो? बालक ने कहा, नहीं कभी नहीं, मैं नहीं कहता हूँ ऐसा। महात्मा ने फिर सवाल किया, महात्मा ने किससे सवाल किया? उस बालक से सवाल किया, क्या तुम पहले सोचते हो और फिर बोलते हो? बालक से क्या कह रहा है? पहले सोचते हो फिर बोलते हो, उससे कोई कुछ सवाल कह रहा है, कौन? संत कवि किससे? बालक से सवाल कर रहा है, ये बालक उसे जवाब दे रहा है। बालक ने उत्तर दिया, हाँ मैं सोच समझ कर ही बोलता हूँ। क्या कह रहा है? मैं पहले सोच समझ कर ही उसे उत्तर देता हूँ। कई बार तो मैं उसे चुप रह जाता हूँ कि मैं उसे सवाल का जवाब देने में ज्यादा ये नहीं रहता, कई बार तो मैं चुप रह जाता हूँ, उसका जवाब भी नहीं देता हूँ। ये सवाल कौन कह रहा है? संत कवि इसे बालक से कह रहा है। नानी महात्मा ने बालक से कहा, बेटा तुम कदापि अज्ञानी या मूर्ख नहीं हो। तुम कदापि यानी तुम बचपन यानी स्टार्टिंग से ही तुम ज्ञानी यानी या मूर्ख नहीं हो। ज्ञानी यानी अनएजुकेटेड और मूर्ख यानी फूल नहीं हो। क्योंकि क्रोध केवल मूर्खों को आता है। क्रोध किसको आता है? मूर्ख, मूर्ख यानी फूल, फूल लोगों को ही ज्यादा क्रोध आता है, विद्वान या ज्ञानी को नहीं। विद्वान या ज्ञानी यानी एजुकेटेड लोगों को नहीं आता है। जो व्यक्ति क्रोध आने पर उसे पचा जाता है, उसे पी लेता है, वह निश्चित ही स्वयं हो जाता है।
संयमी हो जाता है। जो क्रोध अपने आप को संभाल लेता है और दूसरों की बुराई को ही बुराई को अपन ये नहीं करता है उसे, वो लोग बहुत ज्ञानी होते, ज्ञानी होते हैं। वो दूसरों में बुराई, दूसरों के दुर्गुण देखने वाला और बिना समझे समझे सा बोलने वाला मूर्ख होता है। दूसरों की भला बुराई करना, दूसरों के बातों पर ये करना, दूसरों की बड़ाई करना, दूसरों पर बातें करना, वो क्या होता है? वो मूर्ख होता है। मूर्ख बोलने के बाद सोचता है। मूर्ख क्या करता है? पहले बोल देता है, बाद में सोचता है। ज्ञानी का भी ज्ञानी क्या करता है? पहले सोच समझ कर ही आंसर देता है। मूर्ख क्या करता है? पहले बोल देता है, फिर बाद में सोचता है। जो बोलता है वरन चुप रह जाता है, वह बोलने वाले के श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहा गया है, पहले बोलो फिर बोलो, जरूर नहीं कि हर बार बोलो। पहले सोचो, सोच समझ कर अपन जवाब देना चाहिए। किसी को भी अपन बड़े या छोटों को अपन सोच समझ कर जवाब देना चाहिए। अपन चटकर जभी कोई बात नहीं बोलना चाहिए। जो बात बोला है वही बोलना, अगर नहीं बोलना है तो अपन चुप रह जाना चाहिए। लेकिन दूसरों को बड़े बातें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसको, अपन संभल कर जवाब देना चाहिए। देखिए यहाँ और क्या है, आप लोग टेस्ट बुक निकाल कर डेली वन वन पैरा प्रैक्टिस करना और रीडिंग करना, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए और रीडिंग भी करना चाहिए। और देखिए यहाँ शब्दार्थ पेज नंबर 45 पर शब्दार्थ